ये न्यूज के प्रायोजक हैं proskillhub.com। अब अच्छी नौकरी पाव भाषा आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपनी बहनिन का बड़े सौगात दीन गई रही है। सौगात रही लाडली बहना योजना एक के तहत बता दी कि सरकार के द्वारा प्रक्रिया जो उन्हें शुरू की जा चुकी है। ऑनलाइन कियोस्क संचालकन का बड़ा निर्देश दीन गए रहे कि उनके द्वारा KYC के नाम पर कोनो मेर के राशि के मांग हितग्राही महिला या परिवार की तरफ से न की जाए। बावजूद एक कईक KYC संचालकन के द्वारा ए नियम और कानून का दरकिनार कही के मनमानी ढंग से पैसा वसूला जाला है। यही तहत बता दें कि बड़ी कार्रवाई की गई है जहां पैसा वसूले वाले कियोस्क संचालक के न केवल कियोस्क सेंटर का सील कई देंगे बल्कि संचालक का गिरफ्तार कीनगा पे। तो बिंदु क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महमपूजा अपना पंचे सभी जनन का प्रणाम कही थे शुरू करी थे बड़ी खबर से। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना के लाभ खाते प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कियोस्क संचालकन के द्वारा अब कहो न कहो ए मौका के फायदा उठावे के कोशिश की जाला ही भई है। मेके कार्रवाई टीकमगढ़ से समूह आई है जहां मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना खातिर EKYC के फीस ले वाले MP ऑनलाइन केंद्रन का सील कई दिन गए संचालकन का गिरफ्तार की गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा यह घोषणा की गई है कि लाडली बहना योजना खातिर हितग्राही महिलन के डिजिटल सत्यापन खातिर यानी EKYC खातिर कोनो मेर के फीस कियोस्क संचालकन के द्वारा न लीन जाए। बावजूद एके क्यों संचालन के द्वारा मनमानी की जा रही कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी के द्वारा EKYC खातिर पैसा लेके शिकायत मिले के बाद टीकमगढ़ SDM CP पटेल और तहसीलदार का जांच खातिर निर्देश दीन गया जहां जांच के दौरान शिकायत सही पाई गई। टीकमगढ़ में 2 MP ऑनलाइन कियोस्क में कार्रवाई की गई है। राघवेंद्र साहू संचालक रानू कंप्यूटर मोटे का मोहल्ला के MP ऑनलाइन के सेवा स्थायी रूप से बंद करवाई दी गई। यही मेर से बजरंग अखाड़ा डोंगा रोड स्थित शिवा कंप्यूटर के MP ऑनलाइन के सेवा स्थायी रूप से बंद कर दी गई है। संचालक शिवम आर्या के खिलाफ FIR दर्ज करके जेल भेज दी गई है। टीकमगढ़ कलेक्टर कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी के द्वारा संबंधित अधिकारी का निर्देश दीन के यहाँ की शासन के निर्देशानुसार लाडली बहना योजना के अंतर्गत आधार से संबंधित कामन का महत्व दई के आधार केंद्रन के सप्ताह के 7 दिन सवेरे 9 बजे से लेके 8 बजे तक खोला जाएगा है। उनके द्वारा कहा गया कि जोने जोने कार्यालय में आधार केंद्र संचालित है वहाँ कार्यालय में आधार केंद्र कक्ष का खोले खातिर संबंधित जिम्मेदारन का निर्देशित की जाए। एक साथ है काम में अधिक तेजी लावे की खातिर निर्देश दिन के और कहा गया कि तत्परता के साथ ये काम हो और 100% महिलन के EKYC के काम पूरा हो। हालांकि इससे पहले जिला कलेक्टर के द्वारा स्पष्ट कह दिया गया रहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शासन के प्राथमिकता वाली योजना है जो में लापरवाही कतई बर्दाश्त न की जाए। जे अधिकारी कर्मचारी काम के प्रति लापरवाही करी उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। वह कलेक्टर के आदेश के उल्लंघन करे पर कियोस्क संचालकन का जहां गिरफ्तार की गया है तो दूसर कई उनकर कियोस्क का सेंटर का सील कह दिन गया है। सजग रही और सतर्क रही रखिए आप और अपने परिवार के ख्याल दे इजाजत। एनिमेशन विजुअल इफेक्ट इन सभी में रोजगार की अपार संभावना है। कल्पना और तकनीक का अद्भुत मेल एरिना एनिमेशन अब सतना में। यहाँ है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर उन्नत कंप्यूटर लैब और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का साथ। ग्राफिक्स डिजाइनिंग 2D एंड 3D एनिमेशन और VFX की अनूठी राह खोल देगी सफलता के नए द्वार। संभावनाओं का असीमित आकाश एरिना एनिमेशन। एरिना है तो जॉब है।